ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, आज नए साल का पहला दिन है और मैं चाहता हूं कि आप सब एक संकल्प करें। संकल्प करें कि मां भगवती को आप आज से आराधना शुरू करेंगे। आप ऐसा इस साल में कोई भी ऐसा दिन नहीं जाने देंगे जिसमें कि आप साधना ना करें। प्रातःकाल उठते ही साथ आपको मां भगवती की पूजा अर्चना में लग जाना है। आप ऐसा कोई भी दिन ना छोड़िएगा जिस दिन आप मातेश्वरी के समक्ष दीपक प्रज्वलित ना करें। आपको ये छोटी सी साधना मैं आपको दे रहा हूँ, आपको देसी घी या फिर यथासंभव जो भी आपसे संभव बन सके वैसा दीपक आपको मातेश्वरी के समक्ष रख देना है सुबह सुबह। अगर किसी दिन सुबह ना हो पाए तो आप शाम को भी रख सकते हैं। तो एक ऐसा नियम बना लीजिए कि रोज़ आपको दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद इस पूरी साल मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जिसमें कि आपको सुनहरे अवसर ना मिले। क्योंकि जब आप नित्य प्रतिदिन ये छोटी सी साधना करेंगे तो आपके जीवन में शुभता आनी शुरू हो जाएगी। जो काम बिगड़े हुए थे, जो काम नहीं बन रहे थे, वो बनने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। वर्षों से मैं इस तरह की साधनाएं करता आ रहा हूँ और यकीन मानिए कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो मेरे हित में काम करती हैं। अगर आपको भी कुछ ऐसा चाहिए कि इस प्रकृति से कुछ ऐसा आपको मिले जो कि आपके अनुकूल काम करे, बैकग्राउंड में जैसे ऐप्स चलती रहती हैं बिल्कुल वैसे ही आपके पीछे एक ऐसी शक्ति काम करेगी जो कि आपके हित में काम करेगी, आपका अनुचित अहित बिल्कुल नहीं होने देगी। अगर कोई आपके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करता है तो ये शक्तियाँ सारी अपने आप सोते रहेंगे और ये बैकग्राउंड में अपना काम कर जाएंगे। आप बस ये छोटा सा काम कीजिए। और एक मंत्र मैं आपको दूंगा वीडियो के लास्ट में, उसको सुनिए। इसको रोज़ सुनने से आपके भीतर कुछ ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी जो कि नकारात्मक ऊर्जा को निकाल फेंकेगी। इसके बाद ये जो आपका नववर्ष होगा ये खुशियों से भरा होगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कुछ ऐसा मंत्र दीजिए जो कि एकदम से ही काम कर जाए। तो ये एक साधना मैं आपको दे रहा हूँ इस साल के लिए। आप रोज़ मातेश्वरी के समक्ष एक, अगर आपके घर में मंदिर है, अगर नहीं है तो आप एक तस्वीर ले सकते हैं। उस तस्वीर के आगे एक दिया लगाइए रोज़ और दिए को 7 बार मातेश्वरी की फ़ोटो के आर बाहर घुमाइए। इससे होगा ये कि आपके जीवन में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाएगी और आप देखते ही देखते उन्नति को छूते चले जाएंगे। अगर किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आए तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर विजिट करके आप इसके बारे में अधिक पढ़ सकते हैं। और अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625। जय माता की।